नमस्ते दोस्तों, मैं स्वप्निल जाधव, स्वप्निल टेक ट्रेंड्स चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज का जो सब्जेक्ट है वो है, अगर आपने अपने YouTube चैनल पे एक महीने तक या उससे भी ज़्यादा दिनों तक चैनल पे वीडियो ही नहीं डाला अपने चैनल पे, तो YouTube क्या करेगा आपके चैनल के साथ, या आपको क्या क्या फ़ायदे या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऑल ऑप्शन के साथ, और देखते रहिए, कमेंट भी कीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछते हैं, यूट्यूबर जो नए होते हैं वो कमेंट करके पूछते हैं कि सर हमने अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर कुछ दिनों तक वीडियो ही नहीं डाला हमारे एस्टेब्लिश चैनल के साथ, जो कि मोनेटाइज है, लेकिन हमारे किसी अड़चन की वजह से नहीं डाल पाए हम लगभग महीने या दो महीने तक वीडियो, तो YouTube हमारे चैनल के साथ क्या करेगा, हमें उसके फ़ायदे या नुकसान क्या हैं। तो दोस्तों, बताना ये चाहता हूँ कि फ़ायदे तो कुछ है नहीं अगर आपने महीना दो महीने अपने मोनेटाइज हुए चैनल पे या ना मोनेटाइज हुए भी चैनल पे नहीं डाला कोई वीडियो, लेकिन नुकसान बहुत सारे हैं। तो दोस्तों, पहला नुकसान जो है वो तो ये है कि आपका अगर महीने तक कोई वीडियो ही नहीं आया तो जो व्यूज़ हैं वो घटने लगेंगे। अगर आपका पहले कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ है तो आपको कंटिन्यूटी रखनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, वीडियो बनाते रहना चाहिए। अगर आप रोज़ नहीं वीडियो बना सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन हफ्ते में एक या दो वीडियो ज़रूर बनाने चाहिए, क्योंकि सब्सक्राइबर को के सामने आपको हर दिन हर पल नहीं लेकिन हर हफ्ते अपना चेहरा तो दिखाना चाहिए, अपने चैनल का नाम तो उनके नोटिफिकेशन के मोबाइल पे के नोटिफिकेशन पे आना चाहिए। तो दोस्तों, इससे क्या होता है कि लोगों को यानी कि सब्सक्राइबर को अटैचमेंट रहती है आपके साथ, उसको मालूम रहता है कि हमारे इस चैनल को जिसको हमने सब्सक्राइब किया है वो रेगुलरली हमारे लिए कोई ना कोई अच्छा सा वीडियो बना के लाएगा, क्वालिटी वीडियो बना के लाएगा। तो यही फ़ायदा होता है, एक अटैचमेंट बन जाती है सब्सक्राइबर के साथ जिसने आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। अगर आपने वीडियो ही नहीं डाला तो वो किसी दूसरे चैनल पे जाएगा, उसकी आदत बिगड़ जाएगी, उसको मालूम याद नहीं रहेगा आजकल कल या परसों क्या खाया, रात को क्या खाया, ये याद नहीं रहता, तो बाकी आपके वीडियोज़ और आपका चैनल का नाम कैसे याद रहेगा अगर रेगुलरली आप वीडियोज़ नहीं डालेंगे। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है। उसके साथ दूसरा ड्रॉबैक ये है, डिसएडवांटेज ये है कि YouTube अगर आप वीडियोस कंटिन्यूसली नहीं डालते, रेगुलरली नहीं डालते, तो जो YouTube है वो आपके बाकी के वीडियोस जो पहले आपने डाल के रखे हैं, समझो 5-50 वीडियो डाल के रखे, तो उसको भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके वायरल करना कम कर देगा, आपके वीडियोज़ ज़्यादा लोगों को तक नहीं पहुँचेंगे। हाँ, अगर आपका कोई पहले से वीडियो वायरल हुआ है जिसके लाखों में व्यूज़ हैं तो शायद वो चलता रहेगा कुछ महीनों तक, वो ज़रूर चलता रहेगा, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है, जब उसकी लिमिट पूरी हो जाएगी तो वो भी आपको हेल्प, उसके साथ साथ आपको ये भी नुकसान होगा। और हाँ दोस्तों, उसके साथ साथ आपको तीसरा नुकसान ये भी होगा कि आपके जो मोनेटाइजेशन के जो पैसे आपको मिलते हैं हर महीने, अगर $100 पूरे होते हैं आपको, तो वो उसमें भी घटाएगी, आपकी इनकम में भी घटा सकती। तो ये तीन सबसे बड़े ड्रॉबैक्स हैं जो आप अगर महीना दो महीने तक आपके किसी भी अड़चन की वजह से नहीं वीडियो डाल पाते तो ऐसा मत कीजिए, रेगुलरली वीडियो डालते रहिए, हफ्ते में डालते रहिए एक या दो वीडियोज़। बहुत सारे बड़े बड़े चैनल्स हफ्ते में एक या दो ही वीडियो डालते हैं। अगर आप कार रिव्यूज़ के वीडियो देखेंगे, ऑटोमोबाइल रिव्यूज़ के, तो वो हफ्ते में एक या दो ही वीडियो डाल पाते हैं। मोबाइल भी रोज़ रोज़ मार्केट में तो आते नहीं, तो वो भी बड़े चैनल्स जो होते हैं वो हफ्ते में एक या दो ही वीडियो डालते हैं। तो आपको भी डाल तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं, लेकिन महीना दो महीने अगर वीडियो नहीं डालेंगे तो बहुत नुकसान हो सकता है। इस नुकसान से बचने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए और कंटिन्यूसली हमारे चैनल को वॉच करते रहिए।
हम ऐसे आपके लिए मनोरंजक वीडियो अच्छी जानकारी के साथ लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र।